नमस्कार, मैं कैलाश शर्मा, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर। रोड सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल रेगुलेशन से रिलेवेंट आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ मैं, डॉक्यूमेंट्स केप्ट विथ व्हीकल, यानी कि मोटर व्हीकल के साथ कौन, आप जो पब्लिक किसी प्लेस पर अगर वाहन चलाते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए और किस फॉर्म के अंदर होने चाहिए, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि अगर पूर्व के मेरे वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि इनसे संबंधित जो भी कोई नया वीडियो अपडेट्स होगा वो तुरंत आपको मिल सके और मेरे को मोटिवेशन मिल सके। तो अपन स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स केप्ट विद व्हीकल्स। जैसे कि मैंने बताया कि भारत के अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर चलते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट वाहन के साथ होने चाहिए, ड्राइवर की क्या ड्यूटी होती है, और इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट एक डिजी लॉकर और एम परिवहन के बारे में आपने सुना होगा, तो इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 130 के अंदर किसी भी पब्लिक प्लेस पर या ड्राइवर की ड्यूटी निर्धारित की गई है कि कोई भी एनफोर्समेंट स्टाफ है अगर उस वाहन के डॉक्यूमेंट की डिमांड करता है दिखाने के लिए तो उसकी ड्यूटी है कि वह वाहन के डॉक्यूमेंट उसको दिखाएगा। अब वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से साथ में रखने चाहिए, किस फॉर्म में दिखाना वैध है, अगर नहीं दिखाना है तो क्या उसका ऑफेंस और पेनल्टीज है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में रखने चाहिए, तो मैंने दो भागों में बांटा है, एक पहले नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए और एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए। जैसे कि नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल उसे व्हीकल कहते हैं जो निजी यान हिंदी में कहते हैं या गैर परिवहन यान, यानी कि अपने वो निजी उपयोग के लिए, अपने स्वयं के उपयोग के लिए जो यान काम में आते हैं उसे नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल कहते हैं। अगर आपके पास नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है तो उसके साथ में एक तो आपके पास हमेशा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, सेकेंड उसका ड्राइविंग लाइसेंस, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, थर्ड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, एंड फोर्थ पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट अगर वो एप्लीकेबल है तो। जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल है और अगर आपका वाहन को रजिस्ट्रेशन के एक साल ही हुआ है तो आपको जैसे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है तो वो जरूरी नहीं है। इसके लिए मैंने पोल्यूशन अंडर कंट्रोल का एक अलग से वीडियो बना रखा है जो कि लिंक बॉक्स में दिया हुआ है, तो आए चाहे तो आप जो उसको देख सकते हैं कि किन वाहनों के लिए PUCC नेसेसिटी है। इसी प्रकार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कौन से वाहन के लिए कौन सा ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यकता है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको मैंने लिंक बॉक्स के अंदर दिया है तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो ये जो चार डॉक्यूमेंट है ये कोई भी नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाते समय हमेशा साथ में होने चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है मेरा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी कि परिवहन यानी कि ऐसा यान जो कि किराए भाड़े पर चलता हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं परिवहन यान। अगर परिवहन यान है तो चार डॉक्यूमेंट तो वो के वो हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया और पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो। इसके बाद अगर उसको परमिट की आवश्यकता है तो परमिट, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट आवश्यकता है तो टैक्स पेड रिसिप्ट और टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, यानी कि उसने टैक्स पेड कर दिया उस स्टेट का तो उसका टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, साथ में ऑथोराइजेशन अगर एप्लीकेबल है, नेशनल परमिट की गाड़ी है तो उसका ऑथोराइजेशन होना चाहिए, अथवा तथा अगर स्टेज कैरिज व्हीकल है, स्टेज कैरिज पैसेंजर व्हीकल है तो उसमें कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो कंडक्टर लाइसेंस भी होना चाहिए। अदर इसके अलावा और जो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो साथ में होने चाहिए, ये डॉक्यूमेंट मैंने बताया ये हमेशा साथ में होने चाहिए। अब डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, बहुत बार क्या जैसे एनफोर्समेंट स्टाफ हम चेकिंग करते हैं तो लोग क्या डॉक्यूमेंट साथ में रख देते हैं, जिसको जीरोक्स कॉपी रख लेते हैं, बता दे साहब ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, इसको मानो, लेकिन कौन से रखने चाहिए और किस फॉर्म में रखने चाहिए उसके बारे में आज को मैं आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस फॉर्म में रखना अलाउड है, सबसे पहले फिजिकल फॉर्म इन ओरिजिनल, यानी भी वाहन के जो मैंने अभी पीछे दस्तावेज बताए थे, डॉक्यूमेंट्स बताए थे, ये ऑल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रूप से फिजिकल फॉर्म में साफ रखने आवश्यक हैं। अगर आप फिजिकल फॉर्म में नहीं रख सकते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप डिजी लॉकर के अंदर और एम परिवहन के अंदर इन डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को वो डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं जो कि वैध माने जाएंगे। 21 जुलाई 2016 को डिजी लॉकर एक अथॉरिटी बनी थी, डिजी लॉकर अथॉरिटी बना के इन दस्तावेजों को ई फॉर्म में रखने के लिए वैध किया गया है। इनका अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे डिजी लॉकर और एम परिवहन के बारे में। इसके अलावा अगर एक्ट के अंदर RC और लाइसेंस कहीं पे भी
इम्पाउंड करना, फिजिकल रूम में इम्पाउंड करना नेसेसिटी किया हो, यानी कि जैसे सस्पेंशन के केस में या और भी कैंसिलेशन के केस में, तो वहाँ पे आपको आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपको ओरिजिनल फिजिकल रूप में पेश करने होंगे, वहाँ पे ई फॉर्म नहीं चलेगा। नॉट अलाउड, किस प्रकार आप डॉक्यूमेंट नहीं रख सकते हैं, सबसे पहले जेरोक्स कॉपी, यानी कि जो जेरोक्स कॉपी कराते थे, फोटो स्टेट कॉपी कराते थे आरसी लाइसेंस वगैरह की और उनको साथ में रखते हैं, वो अलाउ नहीं है। साथ में अटेस्टेड, फिर क्या करते हैं, जेरोक्स कॉपी करा के उसको अटेस्टेड करवा देते हैं, तो अटेस्टेड कॉपी भी साथ में अलाउ नहीं है। उसके बाद इमेज ऑफ डॉक्यूमेंट इन मोबाइल, यानी कि अपन बहुत बार क्या करते हैं, मोबाइल के अंदर इमेज खींच लेते हैं, फोटो खींच लेते हैं उसकी, और फोटो खींच के रख लेते हैं और वो अपन बताते हैं कि ये मेरा लाइसेंस है, मेरा आरसी है, तो वो भी मान्य नहीं है। ठीक है ना, वो केवल एक इमेज है, जस्ट लाइक फोटोकॉपी टाइप, वो फोटोकॉपी है, तो वो ई फॉर्म नहीं माना जाता है, तो उसको आप नहीं रख सकते हो। अब है एम परिवहन, जैसे मैंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट्स को एम परिवहन ऐप के अंदर रख सकते हैं। एम परिवहन एक मोबाइल ऐप है, आप अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर के अंदर जाके और अपने प्ले स्टोर में जाके आप एम परिवहन का ये लोगो होगा, इस टाइप के लोगो को आप ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप अपने प्रोफाइल से एक अपने एक आईडी बना लीजिए। आईडी बना के उसके अंदर आप अपने जो दस्तावेज हैं, जो वाहन के दस्तावेज हैं, वो रख सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली प्रोफाइल अपनी बना सकते हैं। इसके बाद एम परिवहन के अंदर क्या क्या है, मुख्य बिंदु क्या क्या है एम परिवहन के, यानी इसमें क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। एम परिवहन ऐप के अंदर 100 डॉक्यूमेंट्स वैलिडिटी, यानी कि जैसे ही आप कोई वाहन के नंबर डालेंगे, आप अपने वाहन के नंबर डालते ही उसकी आरसी की वैधता, उसकी अगर सॉरी लाइसेंस डालेंगे तो लाइसेंस की वैधता, आरसी डालेंगे तो आरसी की वैधता, आपके वाहन के इंश्योरेंस की वैधता, पीयूसीसी की वैधता, फिटनेस परमिट और टैक्स की वैलिडिटी वैधता बता देंगे, और अगर आप लाइसेंस डालेंगे तो आपके लाइसेंस की कैटेगरी और लाइसेंस की वैधता बता देंगे। सेकेंड, यू कैन क्रिएट वर्चुअल आरसी एंड डीएल, यानी कि एम परिवहन के अंदर आप अपने वाहन की वर्चुअल आरसी और अपना वर्चुअल ड्राइविंग लाइसेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप सिंपल अपना वाहन की आरसी के नंबर डालिए, आपके वाहन के नंबर डालिए, वाहन के नंबर डालते ही आपको एक वो सिक्योरिटी ओटीपी भेजेगा, ओटीपी से कंफर्म होने के बाद आपकी वर्चुअल आरसी उसके अंदर एम परिवहन आपकी ऐप के अंदर आ जाएगी, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, उसको आप किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को बता सकते हैं, वो आपकी आरसी मान्य होगी। इसी प्रकार लाइसेंस है, वो वर्चुअल लाइसेंस भी आप एम परिवहन ऐप के अंदर रख सकते हैं। इसके अलावा चेक चालान स्टेटस एंड पेमेंट, अगर आपका कोई ऑनलाइन चालान हो रखा है, अगर ऑनलाइन चालान हो रखा है तो आप उसका स्टेटस एम परिवहन ऐप पर चेक कर सकते हैं, तथा उसका जो भुगतान है वो भुगतान भी पेमेंट भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, डीएल रिलीवेंट सर्विसेज, एम परिवहन ऐप के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित बहुत सी सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रखी है गवर्नमेंट ने, जैसे कि डुप्लीकेट लाइसेंस निकालना, लाइसेंस रिन्यू कराना, डीएल एक्सट्रैक्ट निकालना, ठीक है ना, और मोबाइल नंबर्स अपडेट करना, इस प्रकार से काफ़ी सर्विसेज हैं वो एम परिवहन ऐप से आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि यदि आपका लाइसेंस ऑनलाइन होना चाहिए, अगर आपका पूर्व का लाइसेंस बन रखा है और ऑनलाइन ही है तो सबसे पहले अपने लाइसेंस को ऑनलाइन करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन करने के बाद इन सर्विस का उपयोग आप एम परिवहन ऐप से कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा ऐप है, तो इसको ज़रूर डाउनलोड कीजिए अपने ऐप स्टोर से, डाउनलोड करके और इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग कीजिए। फिर है डिजी लॉकर, जैसे कि एम परिवहन के अंदर वाहन और लाइसेंस से संबंधित सारे वर्चुअल आरसी वगैरह रख सकते हैं, इसी प्रकार डिजी लॉकर भी इसी प्रकार का ऐप है, लेकिन इसमें वाहन के साथ आप दूसरे दस्तावेज भी रख सकते हो, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपके स्कूल के सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारी इसमें फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रखी है। उसी के अंतर्गत आप अपने वाहन और अपने ड्राइविंग लाइसेंस को भी इसके अंदर डिजी लॉकर के अंदर रख सकते हैं। वैसे जो एम परिवहन है, ये भी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पे, डाउनलोड कर पे अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, आईडी बना लीजिए, प्रोफाइल आईडी बना के आप अपने वाहन के नंबर डालिए, लेकिन इसमें शर्त यही है आपका वो आधार से लिंक होना चाहिए, आपके फ़ोन नंबर और आधार से वो लिंक होगा तो ही वह इसके अंदर डाउनलोड होगा। तो आप आधार से लिंक कर लो, लिंक है तो तुरंत आपको डाउनलोड करिए, डाउनलोड करके आप ये भी वर्चुअल फॉर्म में आप इसके अंदर रख सकते हो और किसी भी एनफोर्समेंट स्टाफ को आप बता सकते हो। तो दोनों ऐप बहुत ही अच्छे ऐप है
और इन्हीं को अपन ई फॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। ना कि आप किसी डॉक्यूमेंट्स के इमेज फोटो लेके या पीडीएफ फॉर्म में उसको सेव करके अपने मोबाइल में रखते हैं, वो ई फॉर्म नहीं कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं कहलाता है। तो इसलिए कभी परेशान नहीं करें किसी एनफोर्समेंट स्टाफ को, साहब ये मेरे मोबाइल के अंदर है, देख लीजिए। अब है, अगर मेरे डॉक्यूमेंट सारे वैध है, मेरे आरसी वैध है, मेरा लाइसेंस वैध है, मेरा इंश्योरेंस सर्टिफिकेट वैध है, और मैंने साथ में नहीं रखा है, तो मैंने क्या जुर्म किया, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा सेक्शन 130 के अंदर मैंने ऑफेंस क्रिएट किया है, यानी कि डॉक्यूमेंट वैलिड होते हुए भी साथ में नहीं रखने का। अगर ऑफेंस क्रिएट किया तो पेनल्टी क्या होगी, पेनल्टी के लिए मोटर व्हीकल एक्ट 177 के अंदर अगर आपका टू व्हीलर या थ्री व्हीलर है तो ईच डॉक्यूमेंट 100 रुपये आपकी पेनल्टी होगी, यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल बता दोगे, ठीक है ना, बताने के बाद आपको प्रत्येक डॉक्यूमेंट 100 रुपये, अगर आपका इन दोनों के अलावा अन्य कोई वाहन है, कार या बड़ा वाहन है, तो 200 रुपये ईच डॉक्यूमेंट आपके जुर्माना आते होगा। यानी कि तीन डॉक्यूमेंट, जैसे मैंने आरसी लाइसेंस और पीयूसी नहीं बताया, ठीक है ना, मेरे वैलिड है लेकिन बताया नहीं मैंने, लेकिन बाद में मैंने दो दिन बाद पेश किए, लाके पेश किए, तो तीन डॉक्यूमेंट है, तीन डॉक्यूमेंट 600 रुपये मेरे जुर्माना हो जाएगा अगर वैध है तो, और अगर वैध नहीं है, वैलिड नहीं है, तो वो जुर्माने अलग से उसके होंगे। तो ये होते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टी। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा आपको, अगर मेरे वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन ऐप्स का फ़ायदा उठा सके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।